त्योहारों की आते ही हमारे घर में बहुत सारे ऐसे काम निकलते हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती है, पर ये काम ना अनचाहे होती ही है। ऐसे ही कुछ कमाल के टिप भी मैं आपको बताऊंगी और बहुत सारे ऐसे हैक बताऊंगी जो आपकी लाइफ को आसान करेंगे। तो हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। पहला यूजफुल टिप मेरा मिक्सर जार से जुड़ा हुआ है। देखिये, मिक्सर जार में ना इस तरह का रबर आपको मिलेगा, ये देखिये जिसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अक्सर ना इस ढक्कन या लिड के ऊपर लगा हुआ होता है। अब देखिये, बहुत बार ऐसा होता है ये खराब हो चुका होता है या ये लीकेज करता है, मतलब आप कुछ भी पीस रहे हो लिक्विड तो वो इसमें से बाहर निकल के आता है। अब अगर हम इस बात का ध्यान ना दें तो जो हमारा मेन मिक्सर है ना वो खराब हो जाएगा अगर उसमें किसी भी तरह का कोई लिक्विड गया या आपको इसे ठीक करना है। तो घर बैठे आप इसे ठीक कर सकते हो, जब आपके पास टाइम हो तब आप जाके मार्केट में इसका लीड का ही जो रबर है इसको खरीद सकते हो। पर अगर इमरजेंसी में आपको कुछ काम निकालना है तो आप ना ये रबड़ वाला टिप यूज कर सकते हो। आप यहां मिठाई के डिब्बे का रबड़ का भी यूज कर सकते हो या सिंपल या इस तरह के जो रबड़ हमारे पास होते हैं इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक पैकेट हमेशा आप किचन में रखें, ये बहुत जगह काम आता है। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो इससे जुड़ी हुई अपलोड कर रखी हैं जो कि हमारे किचन के काम को आसान करती है। अब जार के ढक्कन के ऊपर मैंने आपको रबड़ लगा के दिखाई है, देखिए बहुत अच्छे से ये बैठ जाएगी, आपका जो काम है इमरजेंसी में निकल जाएगा, कुछ भी लिक्विड इसमें से बाहर नहीं आएगा। पर आप जब भी इसे धोते हो ध्यान दीजिएगा कि आपने ये रबड़ निकाल के धोना है और रबड़ को भी धोना है क्योंकि काफी सारे फूड पार्टिकल इसके ऊपर आ जाएंगे। तो इमरजेंसी में ये वाला हैक आपको बहुत ज्यादा काम आएगा, आपके टाइम की बचत करेगा और फिलहाल में अभी आप मार्केट नहीं जा पा रहे हो तब भी आपको ये हैक बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगा। चलिए देख लेते हैं आज के अगले यूजफुल टिप। जब भी हमें नाड़ा वगैरह पेटीकोट में डालना हो या पजामे वगैरह में डालना हो तो आप पेन का हेल्प ले सकते हो। कैसे, तो चलिए दिखाते हैं। तो यहां मैंने एक पेन लिया है और इसका जो रिफिल है वो हमने यूज करना है। तो देखिए, ये खाली पेन ही है, इसी की रिफिल का मैं यूज कर रही हूँ। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर जो भी आपका ये नाड़ा वगैरह है या धागा वगैरह उसमें इस तरीके से अटका देना है जैसे मैंने आपको अटका के बताया है। इसके पॉइंट जो होती है वो बहुत ज्यादा शार्प होती है जिसकी वजह से ये धागे में अच्छे से अटक जाएगी। अब आपके पास सेफ्टी पिन नहीं भी है ना तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। ये देखिए, जैसे मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, बस इस तरीके से आप डाल के देखिएगा, आपको आसानी भी होगी और बहुत जल्दी से फटाफट जो नाड़ा है वो पेटीकोट वगैरह या पेंट वगैरह में या जो पजामा वगैरह है उसमें बहुत आसानी से निकल के या आप लगा सकते हो, जैसे मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। ये देखिए, यह टिप ना बॉयज को बहुत ज्यादा पसंद आएगी क्योंकि देखिए उनके पास सेफ्टी पिन हमेशा अवेलेबल नहीं होती है, पर हाँ उनके पास ना पेन वगैरह जरूर होता है। तो आप रिफिल का इस्तेमाल कीजिए और आपका जो पजामा है उसका जो नाड़ा है बहुत आसानी से लगा सकते हो। ये टिप वैसे तो हर किसी के ही काम आएगी इमरजेंसी में, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा और आपको ये टिप अच्छा लगता है तो ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चलिए देख लेते हैं अम्पाल का यूजफुल हैक। तो हम जो महिलाएं होती है ना हमारे पास रबर का बहुत बड़ा कलेक्शन होता है, पर मजाल है टाइम पे ये मिल जाए, जब ये हमें घर के हर जगह मिलेगा पर ड्रेसिंग टेबल पर टाइम पे नहीं मिलता है। तो देखिए आपने क्या करना है, ये जो रबड़ है इनको बिल्कुल सही और आसान तरीके से ऑर्गेनाइज करने का मैं तरीका बता रही हूँ। तो देखिए, एल्यूमिनियम फॉइल पेपर लीजिए या रैपिंग पेपर लीजिए, उनके साथ ना आपको ये जो रोल है ये आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। अब इस रोल का आपने यूज करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, जितनी भी रबड़ आपके पास है ना ये इसको पहना दीजिएगा, ये आपके वार्डरोब में बिल्कुल जगह नहीं लेगा। अगर आप ड्रेसिंग टेबल में रखते हो तो वहां भी बिल्कुल कम जगह लेगा और आराम से इसके अंदर सारे रबड़ आ जाएंगे। अगर आपके पास इस तरह का कोई पेपर रोल नहीं है तब आप अपने ड्रेसिंग मिरर को देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर मिलेगी जो कि थोड़ी लंबाई में कुछ इस तरीके से, जैसे मेरे पास ना फिलहाल मैं आपको टेलकम पाउडर दिखा रही हूँ। देखिए, इसके ऊपर भी आप रबड़ पहना सकते हो, इमरजेंसी में ये टिप आपके बहुत ज्यादा काम आती है। आज से 30 साल पहले की बात करें तो लड़कियों को पीरियड आते थे 15 से 16 की एज में, ठीक है, पर आज के टाइम पे ना 8 से 10 की एज में हर बच्चियों को पीरियड्स आते हैं। इसके लिए अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है क्योंकि इस साल की एज की जो बच्चियां हैं उन्हें अपने कपड़े तक ठीक से रखना नहीं आता है, तो अब उनको पैड लगाना भी एक बहुत बड़ा टास्क लगता है क्योंकि देखिये बच्चों को अगर सही नॉलेज नहीं होगी तो वो पैड ठीक से नहीं लगा पाएंगी। घर में छोटी बच्चियां हैं तो उन्हें आप ये जरूर सिखाएं, जिनकी पीरियड्स आने वाले हैं या जिनको पीरियड्स आते हैं तो उन्हें पैड लगाने का बिल्कुल सही तरीका बताया, ठीक है। मेरे घर में भी जेड के भी बच्चे हैं, नंद के भी बच्चियां हैं, तो उन्हें ना मैं पैड लगाने का बिल्कुल सही तरीका बताई हूँ और मुझे लगा कि ये टिप बहुत ज्यादा काम की है तो मैंने आपके साथ भी इस टिप को शेयर करा है। जो आपकी अंडरवेयर है उस पर आपने सबसे पहले इस तरीके से लगा लेना है, सिंपल हम इस तरीके से ही पैड लगाते हैं। इसके बाद में आप साइड में देखोगे
ये जो सिंपल सी आपको प्लेट जैसी दिख रही है, यस पेपर है, इसको हम लगाने में एक गलती करती हैं। ऐसा नहीं है कि ये बच्चियां ही गलती करती हैं, महिलाएं भी गलती हैं। हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट बस ऐसे चिपका देते हैं। इससे क्या होता है, ये ठीक से बैठती नहीं है या ठीक से ये लगती नहीं है, जिसकी वजह से ना ये मुड़ जाता है, वो ठीक से काम नहीं करता है। ठीक है, उससे पहले ही हमें इसे चेंज करना होता है। तो आप सीजर लीजिए, तो कट लगाइए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूं, ये देखिए इस तरीके से कट लगाना है। अब आपने इसको पीछे की तरफ चिपकाना है। तो ये देखिए जो मीट वाला पार्ट है ना पेपर का, पहले आपने इसको चिपकाना है, फिर साइड वाला आप देखिए इसको चिपकाना है आपने। पहले कपड़ा ठीक कर लीजिएगा, ये देखिए इस तरीके से चिपकाइएगा। फिर जो तीसरा पार्ट हमने कट किया है, ये देखिए कुछ इस तरीके से चिपकाइएगा। अब आप देखिए इसके बीच में आपको 1 से 1.5 इंच की गेप मिल रही है। अगर हम बिना कट करे हुए से लगाते हैं तो देखिए ये ठीक से बिल्कुल नहीं चिपकता है। आप कितनी भी जल्दी में क्यों ना हो, आपके घर में छोटी बच्चियां हैं, तो उनको पैड लगाने का बिल्कुल सही तरीका बताइए। क्योंकि अगर पैड को सही तरीके से हमने पैंटी पे नहीं लगाया तो ये ठीक से काम करेगा नहीं। जो पैड आराम से हमारे 4 घंटे निकाल सकता है, वो 2 घंटे में ही हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो मुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से ये ठीक से काम नहीं करता है। तो ये बिल्कुल ही आसान और सिंपल सा ट्रिक मैंने आपको बताया है, जो कि हर महिला हर बच्चियों के काम आएगा। तो इस टिप को ना आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर वो भी पैंटी में पैड गलत तरीके से लगाते हैं तो उन्हें भी दिक्कत होती होगी। इस टिप को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप एक महिला हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का एक और कमाल का यूजफुल टिप, जो आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा आसान बनाएगा। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक पुराना शर्ट है, तो हमारे हस्बैंड वगैरह होते हैं ना, उनका शर्ट पुराना हो जाता है तो हम उसका यूज नहीं करते, ज्यादातर हम उसे रखे हुए होते हैं या फिर किसी को दे देते हैं। पर ये शर्ट आपकी बहुत ज्यादा काम आएगा। ये देखिए मेरे हस्बैंड का शर्ट है, नया ही है, पर इस टी शर्ट में ना देखिए छोटे छोटे छेद हो रहे हैं। तो इस तरह का टी शर्ट अब पहनने के लायक तो रहा नहीं, पर हाँ ये शर्ट अभी काफी अच्छी हालत में है, तो मैं इसका यूज कर रही हूँ साड़ी को कवर करने के लिए। हैंगर में आपने इस तरीके से साड़ी लगा देना है, या साड़ी के अलावा अगर आप कोई और कपड़ा भी रखते हो तब भी यह बहुत अच्छे से काम आएगा। आपने क्या करना है, टी शर्ट को इस तरीके से हल्का सा मोड़ना है, और देखिए इसे हैंगर को आप पहना दीजिएगा। ये देखिए अब आपने जो भी कपड़ा इसके अंदर रखा है, एक तो वो डस्ट फ्री रहेगा, दूसरा ठीक से ऑर्गेनाइज रहेगा, और तीसरा ये जो शर्ट है जो बेकार पड़ी हुई थी टी शर्ट, इसका भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छे से कवर बन के रेडी हो चुका है, ऊपर से आप देख सकते हो कौन से कलर की साड़ी है। कपड़े धोने का ब्रश जब नया होता है तो आपने देखा होगा वो बहुत ज्यादा तीखा होता है, जो कि कपड़ा ही खराब कर देता है। तो आप ना प्रेस का इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए तो यहाँ पर मैं आपको ब्रश दिखा देती हूँ, जब मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ तो देखिए एक तरफ से ये थोड़ा सा मुड़ भी रहा है, दूसरा ये बहुत जल्दी ना कपड़े खराब कर रहा है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा तीखापन है। लेते वक्त इस बात का ध्यान रखे कि ये ज्यादा कड़क ना हो। ज्यादातर जो ब्रश आते हैं वो प्लास्टिक के ही होते हैं, इसलिए आपने हल्का सा प्रेस गर्म करना है और घुमाना है। अभी मैं पहले आपको घुमा के दिखा रही हूँ किस तरीके से घुमाना है। ये देखिए इस तरीके से हल्के हल्के से बस आपने घुमाना है। तरीका आपने देख लिया, अब आपने प्रेस गर्म करना है। प्रेस सिर्फ इतनी गर्म करना है कि आप टच कर सके। मैंने अभी आपको टच करके दिखाया, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, क्योंकि प्लास्टिक है तो ये इसके ऊपर चिपक भी सकती है। हल्का सा ही गर्म करना है, ब्रश को आपने इस तरीके से घुमा देना। ये देखिए छोटे छोटे से यहाँ पर आप डॉट दे सकते हैं, इस तरीके के डॉट बन जाए ना मतलब आपका काम हो चुका है, इससे ज्यादा आपने इसको नहीं चलाना है। ये देखिए बारीक बारीक से डॉट बन चुके हैं, इससे जो आपका कपड़ा है वो बिल्कुल भी नहीं फटेगा। चलिए देख लेते हैं कमाल का यूजफुल हैक। मैं पीतल को साफ करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगी जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो मैंने लिया है एक पानी का मग्गा, इसके अंदर आप कुछ चीज ऐड करेंगे, ये है व्हाइट विनेगर, जिसे सफेद सिक्का भी कहते हैं, चाइनीज खाने में यूज होता है। थोड़ा सा हमने लेना है, और लेना है टूथपेस्ट, जो भी आप यूज करते हैं वो वाला टूथपेस्ट ले लीजिएगा। मेरे पास ये पेप्सोडेंट है, मैं इसका यूज कर रही हूँ। दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए इस तरीके से आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, पानी आपने ऐड बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बस जो व्हाइट विनेगर है और टूथपेस्ट दोनों का इस्तेमाल करना है। नॉर्मल कोई सा भी स्क्रबर आप ले लीजिए। आप देख सकते हैं हंडे की हालत बहुत ज्यादा खराब है। अब ना आज मैं पहली बार ऐसा करने वाली हूँ कि मैं इसको पहले अंदर से साफ करूंगी। काफी बार आपके कमेंट होते हैं कि देखिए मैम आप अंदर से बर्तन साफ करना नहीं बताती है, तो सबसे पहले मैंने आज यही किया है कि मैं इसे पहले अंदर से साफ करूंगी। ये देखिए क्योंकि अंदर से साफ करने में ज्यादा टाइम लगता है, ऊपर से बर्तन कुछ इस तरीके का है कि अंदर की तरफ ना दिखाई नहीं देता है। ये देखिए तो सबसे पहले मैंने अंदर लिक्विड लगा दिया है ताकि 1-2 मिनट बाद ये अच्छे से रिएक्शन करे। अब आपने करना क्या है, ये जो सॉल्यूशन आपने बनाया है इसको आपने बर्तन के ऊपर अच्छे से फैला देना है। ये कांसे का हंडा है तो ये ना बहुत जल्दी कलर बदलता है, बहुत जल्दी ये खराब हो जाता है। बस आपने ये सॉल्यूशन बनाना है, हल्के हल्के से आप मलना है। ये देखिए
आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर काम होना स्टार्ट हो गया है। जितनी भी ये गंदगी है बहुत आसानी से निकल जाती है। ये देखिए, बस हल्के हल्के से आपने मलना है। हम बहुत बार क्या करते हैं, स्टील स्क्रबर लेते हैं और कड़क हाथों से इसको स्क्रब करने लग जाते हैं। ये बहुत गलत तरीका है। कभी भी पीतल या कांसे के बर्तन पे स्टील स्क्रब मत यूज कीजिएगा, उससे कुछ फायदा नहीं होता है। आपका जो पीतल है या कांसा है वो उल्टा घिसने लग जाता है, ठीक है, क्लीन नहीं होता है, वो घिसने लग जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो शाइन करता है और हमें लगता है कि वो क्लीन हो रहा है, वो क्लीन बिल्कुल नहीं होता है, वो घिसने लग जाता है, ठीक है। तो स्टील स्क्रब आपने बिल्कुल इस पर यूज नहीं करना है। आप ये वाला हैक अप्लाई कीजिए, हल्के हल्के से आप मलोगे। ये देखिए, लगभग 1 से 1.5 मिनट लगा मुझे इसे मलने में और जितनी भी इसके ऊपर गंदगी थी वो बहुत अच्छे से निकल गई है। अब चलिए पानी से मैं आपको धो के दिखा देती हूँ। तो अच्छे से बढ़िया से आपने इसे क्लीन कर लेना है, ये बहुत अच्छे से हो जाता है। इस तरह के बर्तन मैं डेली लाइफ में यूज करती हूँ। तो देखिए, हमेशा तो मैं पीताम्बरी पे पैसा खर्च नहीं कर सकती, क्योंकि पीताम्बरी एक केमिकल होता है जो कि बहुत ज्यादा महंगा होता है। अगर आप इस तरह के बर्तन डेली लाइफ में यूज करते हो तो कुछ स्पेशल हैक आने चाहिए, जिससे आपका जो बर्तन है बहुत अच्छे से बढ़िया से क्लीन हो जाता है। ये देखिए, अच्छे से बढ़िया से क्लीन हो गया है, अच्छे से बढ़िया से इस पे शाइन है। तो इस तरीके से आप मंदिर के बर्तन भी क्लीन कर सकते हो, बहुत अच्छे से बढ़िया से साफ हो जाते हैं। पहले जो बर्तन था वो किस तरीके से गंदा था, और अभी जो मैंने आपको क्लीन करके बताया है ये कितना बढ़िया साफ है। तो चलिए देख लेते हैं और कमाल के यूजफुल टिप जो आपकी लाइफ को आसान करते हैं। अभी दिवाली की मैं क्लीनिंग कर रही थी और देखिए, सफाई करते हुए मुझे कुछ ऐसे कपड़े मिले हैं जो कि मैंने इकट्ठे कर रखे थे। जैसे कपड़ा पुराना हो जाता है या कलर उड़ जाता है या थोड़ा बहुत पड़ गया है, तो हम इसे इकट्ठा कर लेते हैं, सोच लेते हैं कभी यूज लेंगे, पर वो यूज में आते ही नहीं है। इस तरीके से देखिए, काफी सारे कपड़े मेरे पास है, तो इन कपड़ों का मैं सही यूज करके आपको बताऊंगी बिना सिलाई मशीन किए हुए कैसे। तो देखिये, एक पुराना शर्ट ले लीजिएगा कोई सा भी। तो मेरे पास एक टी शर्ट है, ये देखिए, अब इस तरह का अगर अच्छी कलर का टी शर्ट है तो उसको लीजिएगा। मैं इसे यूज करके बता रही हूँ कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए, इस तरीके से फैला दीजिएगा, इसकी जो बाहें है ऊपर की तरफ वहां आपने इस तरीके से फोल्ड लगाना है। ये देखिए, एक रबर बैंड लेना है, यहाँ पे इसे टाई कर देना है, उल्टा करना है और इसके अंदर आपने कपड़े डालना है। इस तरीके से फोल्ड कर लीजिएगा ऊपर ऊपर वाला जो हिस्सा है गले वाला, और अच्छे से रबर से टाई कर लीजिएगा। उल्टा टी शर्ट को पलट लीजिएगा और जितने पुराने कपड़े हैं वो इसके अंदर डाल दीजिएगा। मुझे पहली वाली जो शर्ट है उसका कलर अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने दूसरी शर्ट का यूज किया है। बस आपने क्या करना है, रबर लगाना है, उल्टा करना है और जितने भी आपके पुराने कपड़े हैं वो इसके अंदर डाल दीजिएगा। ये देखिए, अब आपने एक सीजर लेना है। देखिए, कोई सा भी टी शर्ट जब आप लोगे तो आप नीचे की तरफ देखना, उसमें एक फोल्डिंग की होती है। ये देखिए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, कोई सा भी टी शर्ट लीजिए, ज्यादातर जो टी शर्ट होती है उनकी सिलाई कुछ इस तरीके से ही की जाती है कि नीचे की तरफ ना आपको इस तरीके से एक फोल्डिंग मिलती है, जैसे कि हमारे पेटीकोट में होती है, पजामे में होती है, वैसे एक सिंपल सी फोल्डिंग मिल देगी। तो आप एक सेफ्टी पिन लीजिए और यहाँ पर जो भी आपके पास नाड़ा वगैरह है वो इसको पहना दीजिए। ये देखिए, सिंपल से जैसे मैं आपको पहना के बता रही हूँ, ये देखिए, नाड़ा ले लीजिए या कोई भी मजबूत धागा आप लीजिएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको खींचना है। ये देखिए, इस तरीके से अब मैंने आपको खींच के दिखाया। अब आपने यहाँ पे एक नोट लगाना है, रस्सी थोड़ी बड़ी है, मैं इसे अगले टाइम फिर से यूज करने वाली हूँ, इसलिए ना मैं यह रस्सी कट कर रही हूँ ना ही मैंने कोई कपड़े को कट किया है, ठीक है। सिंपल सा एक छोटा सा ही कट लगाया था सीजर से, वो भी टी शर्ट के नीचे वाले पार्ट को, ताकि मैं ये रस्सी इसके अंदर डाल सकूं, ठीक है। बचा हुआ जितना पार्ट है वो भी अंदर इस तरीके से डाल देना है। अभी आप भी दिवाली की सफाई कर रहे होंगे और कुछ ना कुछ कपड़े आपके यहाँ भी निकले होंगे। समझ नहीं आता ऐसे कपड़ों का क्या किया जाए, तो एक पुरानी टी शर्ट लीजिए, इस तरीके से रबड़ से फोल्ड कीजिए या उसे पलटिए, उसमें कपड़े डाल दीजिए, थोड़ा सा कट लगाइए, पुरानी रस्सी यूज कीजिए और एक पिलो बना के आप रेडी कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास जितने भी कपड़े एक्स्ट्रा निकले थे ना, सबका मैंने यही यूज किया है। जो टी शर्ट है उनका भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो गया है, और आपको जब जरूरत होगी तब इन कपड़ों का आप इस्तेमाल कीजिएगा। पर फिलहाल में अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है कहाँ रखना है, क्या इस्तेमाल करूं, तो आप ये वाला पिलो बना के रख सकते हो, ठीक है। तो ये वाला हैक आपको जरूर पसंद आया होगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। देखिए, कुकर का जो बेस होता है ना उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, जितनी प्रॉब्लम होती है ना कुकर की इस लीड में होती है। तो आप क्या कीजिएगा, 15 दिन की गैप में या 20 दिन की गैप में कुकर का ये जो लीड होता है, ढक्कन होता है, इसे पानी में डीप कर दीजिएगा। कम से कम 1 घंटे का टाइम दे, अगर आपके पास टाइम कम है तो 20 मिनट तक गर्म पानी में इसे डीप कर दे। इससे क्या होगा, इसके अंदर जितनी भी गंदगी होगी वो अच्छे से बढ़िया से फूल जाएगी। अगर आपके पास इस तरह का स्टील स्क्रबर
पर है, तो अच्छे से यहाँ पे क्लीनिंग कीजिएगा, क्योंकि टाइम के साथ ना यहाँ पर काफी सारी गंदगी इकट्ठा हो जाती है। अगर आपके पास ये ब्रश है तो इस्तेमाल कीजिए, नहीं है तो नॉर्मल जो टूथब्रश है उससे भी आप क्लीनिंग कर सकते हो। इससे क्या होगा, यहाँ पर जितने भी छेद वगैरह है या जितनी भी ये गंदगी है बहुत अच्छे से साफ हो जाती है। जैसे कि आप इसे अपना टाइम दोगे तो ये जितनी भी गंदगी इसके अंदर है वो सारी की सारी फूल जाती है, जिसकी वजह से ब्रश की मदद से बहुत आसानी से निकल जाती है। अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई ब्रश नहीं है तो आप एक और टिप का यूज कर सकते हो। ये सेफ्टी पिन है जो हर महिला के पास होती है, आपके पास इसके अलावा सुई भी होती होगी, आप बारीक वाली सुई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी इस तरीके से डाल के देखिएगा, अगर इसमें से पानी नहीं निकल रहा है या डॉट डॉट बूंद बूंद थोड़ा थोड़ा निकल रहा है तो दिक्कत हो सकती है। आपने क्या करना है, सेफ्टी पिन से इस तरीके से इसके अंदर छेद करना है। आप देखोगे इसके अंदर अगर कोई डस्ट है या फूड पार्टिकल है तो वो आपको निकलते हुए दिखेगा। मैंने जब ये बर्तन में पानी लिया था तो बढ़िया से क्लीन लिया था, लेकिन जब लास्ट में दिखाओगे तो आप भी देख के हैरान हो जाएंगे कि इसके अंदर से कितने सारी कचरा निकला है। सेफ्टी पिन से इस तरीके से कुछ इसके होल को आप छेद कीजिएगा, इसमें घुमाइएगा, आप देखोगे काफी सारा डस्ट और गंदगी निकलेगा, और ये आर पार हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। इनसाइड इसकी कुछ डिजाइन इस तरीके से होती है कि यहाँ भी काफी सारी गंदगी इकट्ठा हो जाती है टाइम के साथ। ये देखिए थोड़ा सा मैंने निकाला, कितनी सारी गंदगी निकली है। ठीक है, इस तरीके से आप सेफ्टी पिन का यूज करते हुए, पिन का यूज करते हुए जितनी गंदगी है इसको साफ कर सकते हो। ठीक है, अब ये हो चुकी है इसकी क्लीनिंग। अब बात करते हैं क्या ये ठीक से काम करता है। तो देखिए, जब भी आपको लगता है कि कुछ दिक्कत हो रही है कुकर में, तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा पानी इस तरीके से लीजिए और चेक कीजिए, पानी जो है वो ठीक से इस तरीके से निकलना चाहिए इसमें। ठीक है, एक धार बननी चाहिए, अगर धार नहीं बन रही है तो बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि कुकर में बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है जिसकी वजह से ही विसिल सीटी आती है और हमारा खाना बनता है। पर अगर यहां से हवा नहीं निकल रही है, सीटी नहीं आ रही है, तो ये कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। कोशिश कीजिएगा अगर इस तरीके से कुकर आपका दिक्कत दे रहा है तो कुकर चेंज कर दे, अगर नहीं कर पा रहे हो तो इसको डेली इस तरीके से जरूर क्लीन करे। अगला यूजफुल हैक मेरा प्रेस से जुड़ा हुआ है, तो ये देखिए प्रेस ना जब हम लॉन्ग टाइम तक यूज करते हैं तो वो इस तरीके से काली हो जाती है, कपड़े जल जाते हैं या किसी न किसी वजह से इस तरीके से गंदी हो जाती है। तो इसे साफ करने के लिए आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी टूथपेस्ट आप ले लीजिएगा, और आप ले लीजिए नमक। ठीक है, जो नॉर्मल खाने वाला सफेद नमक होता है ये लीजिएगा, लिक्विड हम यहाँ यूज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने नमक और कोलगेट या व्हाइट टूथपेस्ट का यूज करके आपको बताया है। आपने क्या करना है, दोनों को अच्छे से मिक्स करना है, इस तरीके से हल्का हल्का सा आपने मलना है। अब आप देखोगे इस प्रेस के ऊपर जितनी भी गंदगी है या जितना भी जला हुआ पार्ट है वो सारा का सारा ना क्लीन हो जाएगा। अभी आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि शायद ये क्लीन नहीं हुआ है, तो देखिए अच्छे से मैंने इसको हाथों से ही रब किया है, कोई स्क्रबर यूज नहीं करना है। एक टिश्यू पेपर में मैं आपको निकाल के बताऊंगी, क्योंकि नॉर्मली ऐसे दिखाई नहीं देता है, टिश्यू पेपर में आपको बहुत आसानी से और साफ से दिखाई देगा कि देखिए कितनी सारी जो गंदगी है वो इसमें से निकल के बाहर आई है। ये देखिए अब इसे आपको पलट के दिखाऊंगी तो आप भी चौंक जाएंगे कि एक नॉर्मल सी प्रेस इतनी गंदी हो सकती है क्या, हो जाती है, क्योंकि जब हम कपड़ा प्रेस करते हैं तो हल्का हल्का डस्ट जो होता है वो जलता ही है, जो कि नॉर्मल कपड़ों पे रहता है, जिसकी वजह से प्रेस काफी गंदी हो जाती है। और जब हम कपड़े प्रेस करते हैं तो आपने देखा होगा एक जलने की स्मेल भी आती है, कपड़ा नहीं जलता है पर एक जलने की स्मेल आती है, वो इन्हीं पार्ट या इसी तरह के कोई कण होते हैं जो इसके ऊपर चिपके होते हैं, जिसकी वजह से हल्की हल्की सी जलने की स्मेल आती है। तो आप इस तरीके से आराम से प्रेस को क्लीन कर सकते हैं। अभी आप भी दिवाली की क्लीनिंग कर ही रहेंगे तो हमारे घर में ना पीतल के बड़े बड़े बर्तन होते हैं जिन्हें हम डेली तो यूज नहीं करते हैं, पर ये हमारे घर में होते जरूर है। हमारी दादी नानी के टाइम से ये बर्तन मेरे पास है, बहुत लॉन्ग टाइम से मैं इन्हें इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह के बर्तन साफ करने के लिए महंगी पीताम्बरी पे पैसा खर्च करने की बजाय कुछ जुगाड़ आपको आने चाहिए। ठीक है, अगर आप पैसा नहीं खर्च करना चाहते हो, अगर डेली आप इस तरह के बर्तन इस्तेमाल करते हो, क्योंकि आज के टाइम पे भी गांव में बहुत सारे घरों में इस तरह के पीतल के बड़े बड़े बर्तनों का यूज किया जाता है। इस थाल का मैं डेली यूज करती हूँ। इसे क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ लिया है नमक, जो नॉर्मल हम लोग खाते हैं, और एक नींबू, बस इतनी से की जरूरत है, और ये जो पीतल की थाल है बहुत बढ़िया से क्लीन हो जाएगी। अभी आप देख सकते हो हालत थाली की बहुत ज्यादा गंदी है, काफी सारी इस पे गंदगी है, ऐसा लग रहा है जैसे काई वगैरह जम चुकी है, पर नॉर्मल जो पीतल के बर्तन है वो इस तरीके से हो जाते हैं। बर्तनों को पानी लगेगा तो बर्तन का कलर बदल जाता है। ठीक है, पीतल के बर्तनों के साथ ये होता है। आपने यहाँ स्टील स्क्रब बिल्कुल यूज नहीं करना है, उससे जो आपका पीतल है वो घिसता है ना कि साफ होता है। आप नमक और नींबू इसका यूज कीजिएगा, ये हर किचन में काम आने वाली चीज है जिसका इस्तेमाल अक्सर हम हमारे घर में करते हैं।
फर्क आप देख सकते हो, मैंने स्क्रबिंग स्टार्ट भी नहीं करी थी, बस आपको डाल के ही दिखाया था। और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से बढ़िया से यहाँ क्लीनिंग हो चुकी थी। एक जगह है वो थोड़ा सा ज्यादा ही गंदा था, तो यहाँ पर मैंने स्टील स्क्रब का यूज किया है क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे कड़ा दाग था जो कि निकल नहीं रहा था। ठीक है, अगर कोई बहुत कड़ा दाग है जो निकलता नहीं है तब आप यूज कीजिएगा नॉर्मल। ठीक है, पीछे वाला पार्ट है इसे चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी मैंने एक नींबू का यूज किया है क्योंकि थाल का जो साइज है वो काफी बड़ा है। बस नींबू आप डालोगे और देखिए मैजिक होना स्टार्ट हो जाता है। और मुझे ये रिएक्शन देख के भी बहुत अच्छा लगता है कि जो मेरा पीतल का बर्तन है कुछ ही सेकंड्स लगते हैं और अच्छे से बड़े से क्लीन हो जाता है। तो इन ट्रिक को अपनाइए और अपने काम को आसान करिए। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, लास्ट आप देख सकते हो, उसमें मैंने एक बहुत आसान सा ट्रिक बताया है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं कांसे और पीतल के बर्तन को साफ करने के लिए। वहां भी आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो टिप भी आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। तो उस वीडियो को भी एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। अब देखिए हल्का हल्का से मलना है और देखिए बहुत अच्छे से बड़े से क्लीन हो गया है। तो अगर सालों से भी आपका बर्तन रखा हुआ है ना, तब भी आप इस हैक को अप्लाई कर सकते हैं। आपके बर्तन नए जैसे चमाचम चमक जाएंगे और आपको बिल्कुल मेहनत नहीं जाएगी। डेली यूज करते हो तो एक काम कीजिएगा, बर्तन धुल जाने के बाद इसे कपड़े से वाइप कीजिए और 2 से 3 ड्रॉप तेल यूज कीजिए इसे वाइप करने के लिए, ताकि ये जल्दी से अपना कलर ना बदले। ये बहुत ही काम का टिप है जो शायद आज से पहले आपको किसी ने बताया नहीं होगा। अगला यूजफुल हैक मेरा रीन बार से जुड़ा हुआ। देखिए जो कपड़े धोने का रीन बार होता है ना, ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, जितनी जल्दी से ये वाइट कपड़ों से गंदगी निकालता है ना, उतनी ही आसानी से ये पीतल के ऊपर से भी पीलापन या जो गंदगी है वो निकाल देता है। आप सोच रहे होंगे कि रेन बार से, हाँ रेन बार से जो नॉर्मल हमारा कपड़े धोने का साबुन है उसका भी आप यूज कर सकते हो। देखिए थोड़ा सा मैंने लगाया है और ये देखिए मैं क्लीन करके आपको दिखाया है। ये जो पानी का हंडा है बहुत ज्यादा गंदा नहीं था, इससे आपको ज्यादा फर्क नहीं नजर आएगा, पर हाँ इसके ऊपर से जो गंदगी है वो बहुत आसानी से निकल जाती है। तो रेन बार का भी आप पीतल के बर्तन को साफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कितनी बार एड में कि जो व्हाइट कपड़ा होता है उसे साफ करने के लिए सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है रेन बार। तो रेन बार का बराबर यूज कर सकते हो पीतल के बर्तनों को साफ करने के लिए। थोड़ा सा ही फर्क सही, पर यहां पर आपको फर्क नजर आ रहा होगा। थोड़ा सा और लगा कि मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए हल्का सा मैंने यहां लगाया है, स्क्रबर लेना है, हल्का सा आप मलोगे, ये देखिए जितनी गंदगी है ना वो बहुत आसानी से निकल जाती है। तो बिल्कुल पास से मैंने आपको दिखाया है ताकि आप आसानी से देख पाओ। ये देखिए बस हल्का सा इस तरीके से आप घुमाओगे ना, आप देखोगे आपको फर्क नजर आएगा कि जो पीतल का बर्तन है वो साफ होता है। तो रीन बार का बराबर इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए इसे अच्छे से बढ़िया से क्लीन कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या ये क्लीन हुआ है। तो इन टिप को आप अपने इस दिवाली अपनाइएगा, आपके घर के जितने बर्तन हैं बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे क्योंकि हम बहुत बार ना महंगे केमिकल मार्केट से लेकर आते हैं, स्पेशल हम साफ करने के लिए इन्हें बर्तन वाली दुकान पे भी देते हैं, पर आपने देखा होगा वो बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं और ऊपर से टाइम देते हैं कि उनके टाइम के अकॉर्डिंग ही आप दुकान पे आए और अपना बर्तन उठाए। ठीक है, पर हाँ वहां पर आपका जो बर्तन है वो घिसा जाता है, घिसने की वजह से वो बहुत अच्छे से बढ़िया से चमक आती है, नई जैसी आती है, इसलिए हमें लगता है कि वो बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं, पर नहीं, वहां पर हमारा बर्तन घिसा जाता है। तो घर बैठे आप इन्हें क्लीन कीजिए, आपका बर्तन बिल्कुल भी नहीं घिसेगा और नया जैसा चमक भी जाएगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ 3 बर्तन दिखाए हैं, एक और बर्तन है मेरे पास जो कि साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है, पर इसे क्लीन करने के लिए मुझे बिल्कुल सिंपल सा हैक आपको बताना है, इसे आप भी अप्लाई कर सकते हो। देख सकते हो बर्तन की हालत बहुत बुरी है, पूरी तरीके से ये काला हो चुका है। डेली लाइफ में मैं इसे पानी के लिए यूज करती हूँ इसलिए इसका रंग इस तरीके से बदल जाता है, पर हफ्ते में मैं एक छोटा सा ट्रिक अप्लाई करती हूँ और जो बर्तन है बहुत अच्छे से बढ़िया क्लीन हो जाता है। आपने लेना है आटा, कोई सा भी आटा चलेगा, गेहूं का, मैदे का, मकई का, ठीक है, आटा चाहिए। थोड़ा सा हमें यहाँ पर हार्पिक चाहिए, ब्लू वाला लीजिएगा, बहुत कम चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, लगभग 2 चम्मच इतना लिया है और 3 चम्मच इतना हमें आटा लेना है। देखिए आप डायरेक्ट अगर हार्पिक का इस्तेमाल करोगे तो वो हाथों में भी जलन करता है, दूसरा वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लगता है क्योंकि वो पीतल के सरफेस पे टिकता नहीं है, पर अगर आप आटा एड करते हुए इससे क्लीन करोगे तो कम क्वांटिटी भी लगेगी, अच्छे से बड़े क्लीन भी हो जाएगा और आपके हाथों में कोई रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको दिक्कत होती है हार्पिक से तो आप यहाँ पर हैंड ग्लव्स पहनना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हल्का सा वाइप करके आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये देखिए कितना ज्यादा ये बर्तन गंदा था और बस यहाँ पर मैंने हल्का हल्का सा मलना स्टार्ट किया है। यहाँ पे भी मैं कोई स्क्रबिंग नहीं कर रही हूँ, मैंने जो तीनों ही टेप आपको बताई है इसमें बिल्कुल स्क्रबिंग नहीं करने की जरूरत है आपको, ना के बराबर नॉर्मल जिस तरीके से हम बर्तन क्लीन करते हैं बस उस तरीके से आपने बर्तन क्लीन करना है और आपका बर्तन बहुत अच्छे से बढ़िया से क्लीन हो जाएगा। ये देखिए हल्के हल्के से ही बस मैं घुमा रही हूँ और जितनी गंदगी है वो कुछ ही सेकंड्स लगे हैं यहाँ पर,
आप काउंट भी कर सकते हो टाइम, ये देखिए बहुत अच्छे से बढ़िया से क्लीन हो जाएगा। अब सबसे अच्छी बात यहाँ है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा और आपको ये जो मैंने सॉल्यूशन बना के बताया है वो और बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए इसी का यूज करते हुए बर्तन के पीछे वाले पार्ट को भी मैं आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ। सिंपल सिंपल सा हैक है, अपनी लाइफ में अपनाइए, अपने काम को आसान करिए। देखिए हल्के हल्के से ही बस मैं इसे घुमा रही हूँ, जितनी गंदगी है वो बहुत आसानी से निकल जाती है। मिलते हैं अगली ऐसी यूजफुल वीडियो में जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाए। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।